झारखंड की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर बोकारो के चंदन कियारी विधानसभा के अमलाबाद ओपी अंतर्गत बीते शुक्रवार के दिन बीसीसीएल के बंद पड़े पर्वतपुर माइंस में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चौल धसने से चार लोग फंस गए थे। जी हां, बता दें जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना अमलाबाद ओपी को दी गई थी। करीब चार घंटे तक अंदर से लोगों की बचाओ बचाओ की आवाजें आती रहीं। उसके बाद अचानक आवाजें आना बंद हो गईं, जिसे स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनहोनी की शंका को देखते हुए उन सभी लोगों को निकालने की मांग की। जी हां, बता दें अमलाबाद ओपी घटनास्थल पहुंचकर अधिकारी को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद जिले के सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि लोग सभी घटनास्थल पर पहुंचे और उन चार लोगों को निकालने की कोशिश में जुट गए। बीसीसीएल द्वारा रेस्क्यू टीम को धनबाद से बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने भी घटनास्थल को देख अपने हाथ खड़े कर लिए। उसके बाद घटनास्थल पर चंदन कियारी विधायक अमर बावरी पहुंचकर बोकारो के उपायुक्त से एनडीआरएफ टीम मंगाने की मांग करने लगे। उपायुक्त महोदय के आदेश पर रांची से एनडीआरएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया। अंधेरा हो जाने के कारण सभी प्रशासनिक एवं एनडीआरएफ टीम वापस ही जा रहे थे, तभी ग्रामीण आक्रोशित होकर प्रशासन एवं एनडीआरएफ की गाड़ियों को घंटों तक रोके रहे, किंतु प्रशासन के समझाने के बाद और आश्वासन देने के बाद भी ग्रामीण लोगों ने प्रशासन एवं एनडीआरएफ टीम को घटनास्थल से जाने नहीं दिया। तभी अचानक अंदर फंसे सभी चारों लोगों ने बताया कि हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अलग जगहों से खुदाई कर रास्ता बनाया और बाहर निकल गए। जी हां, चार दिन तक हम सभी भूखे रहे लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जिसके बाद ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई और कई गांव के लोग खदान से निकले और उन चार लोगों को देखने के लिए वहां भीड़ उमड़ पड़ी। इस खबर की सूचना पाकर प्रशासन के साथ डॉक्टर की एक टीम मौके पर पहुंची और खदान से निकले चार लोगों का मेडिकल टेस्ट किया गया। डॉक्टर ने बताया कि सभी लोग सकुशल ठीक ठाक हैं। शुक्रवार की घटना है, आज बहुत जगह आज तीन चार चौथा दिन होने चला है, लेकिन माँ काली की कृपा से अब ये लोग सुरक्षित है, निकल कर आया है, सुरक्षित आया है। खुद लोग आए हैं या फिर जिला प्रशासन जो या एनडीआरएफ की टीम जो आई थी वो निकाला? ये लोग अपने तो खुद आया, जिला प्रशासन से हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन ये लोग अपना हिम्मत नहीं हारा, पकड़ के निकल कर आ गया। क्या हुआ था? खदान धस गया था, मुंह में धस गया था, तो हम लोग अंदर में थे, इस तरह बच उच के दो दिन रहे, पत्थर तो पूरा गिर रहा था, तो किस तरह बच गए हम लोग। फिर धीरे धीरे शुक्रवार को गिरा था हम लोग, आज सोमवार है, आज सोमवार है, सोमवार को निकले 4 बजे रात को। किसी की कोई मौत के द्वार से वापस आता है कहता है, ना उम्मीद से उम्मीद जगना, और जहाँ सब कुछ आप मान चुके हैं कि आपका कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से रास्ता निकलना। आप और हम तो संवेदना व्यक्त कर रहे थे, लेकिन वो चार परिवार के उनके पत्नी से उनके बच्चों से मैं मिला था, उनके लिए तो उनकी सारे जहाँ यही लोग हैं। तो विधायक जी ये कैसे चमत्कार का कि ये नमस्कार है भगवान के आगे? चमत्कार तो ही है, देखिए ईश्वर का ही कृपा है। आप जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है, आप भी कभी ऐसा जाए कहीं कोई वे आउट नहीं मिलता, कहीं रास्ता नहीं मिलता है, तो आप सबसे पहले जो याद करते हैं ईश्वर को ही याद करते हैं, और ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाता है। ईश्वर के चमत्कार है, माँ काली नहीं है।